वेलकम टू EGS एकेडमी. माई सेल्फ श्याम कुमार, एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. जनरली टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिलेट ऑल स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर इन JPSC मेन्स एग्जामिनेशंस. Mainly, after publishing the results of JPSC PT, our students are having to face two types of critical situations. मैं critical situation शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि JPSC के रिजल्ट निकलने के बाद हमारे विद्यार्थी दो तरह कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें. पहला तो ये है कि जिनका JPSC में PT में रिजल्ट नहीं हुआ, सपोज हु डिड नॉट गेट सक्सेस इन JPSC PT, दे आर थिंकिंग दैट वॉट शुड दे डू, उन्हें क्या करना चाहिए. और दूसरी तरफ एक क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि सपोज हु हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड JPSC PT एंड दे आर थिंकिंग दैट अगेंस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट रिजल्ट वी आर वॉचिंग एवरी डे अगेंस्ट JPSC मोमेंट. तो दूसरा क्रिटिकल सिचुएशन है कि जिन लोगों ने JPSC प्रिलिमिनरी टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है, वो देख रहे हैं कि हर दिन इस रिजल्ट के खिलाफ जो मोमेंट आंदोलन हो रहे हैं, तो उनके लिए चैलेंजिंग फैक्ट ये है कि इन दिस सिचुएशन वो क्या ऐसा करे जिससे कि कम समय में और बेहतर तरीके से उनकी मेंस की तैयारी इस रणनीति के साथ पूरी कर लिया जाए, ताकि दे आर एबल टू नॉक द डोर ऑफ इंटरव्यू. ये दोनों तरह की क्रिटिकल सिचुएशन की बात मैंने कहा. एक ऐसे स्टूडेंट्स जो JPSC PT इन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, इनके साथ क्या है. इनके साथ दो ऑप्शन है फिलहाल 8%. और पहला है BPSC. इफ दे हैव अप्लाइड इन BPSC प्रिलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशंस, तो एक ऑप्शन है कि अगर उन लोगों ने फॉर्म भरा है तो BPSC की तैयारी करें. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि उनका दूसरा ऑप्शन है JSSC CGL सचिवालय. ये दो ऑप्शंस हैं उनके लिए जिन लोगों ने JPSC PT क्वालिफाई नहीं किया, चाहे कारण जो भी हो. JPSC PT क्वालिफाई नहीं करने का एक वजह ये नहीं है कि दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई इन JPSC PT. और दूसरा है JSSC. तीसरा बात मैंने बताया कि ऐसे स्टूडेंट्स जो JPSC PT क्वालिफाई कर लिया है, हु हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड JPSC प्रिलिमिनरी एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स एग्जामिनेशंस एंड दे आर नोइंग ऑल्सो दे हैव नो मोर टाइम टू अपेयर इन दिस एग्जामिनेशंस, और उनके मन में एक डर भी है इस तरह का मोमेंट देखकर. तो इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन उनकी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पहलू है. हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं एंड एज यू वेल नाउ आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक मोटो होता है एंड दैट मोटो इज मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इकोनॉमी इन मिनिमम कॉस्ट. यानी कि
अधिकतम कार्यकुशलता और अधिकतम फायदा और कम से कम लागत। अब वही नीति अपनाकर जिन लोगों ने जेपीएससी पीटी क्वालिफाई किया है उन्हें चाहिए कि वे कम समय पर अपनी तैयारी को इस दशा और इस दशा के साथ आगे ले जाए। एक बेहतर शिक्षक के मार्गदर्शन में जिससे उन्हें कम समय पर या कम समय में राइटिंग स्किल अचीवमेंट हासिल हो जाए, उनका आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा हो वो देख लिया जाए, कहीं कहीं कंपरेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मेनली आई वुड लाइक टू से दैट इन जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस एंड इवन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशंस देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सपोज एन एग्जाम्पल आई एम एक्सप्रेसिंग क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ एमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, दिस इज ए क्वेश्चन। एंड वन मोर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बोथ आर सेम क्वेश्चन बट योर आंसर विल बी नॉट सेम। दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग होगा। सपोज एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटीज, भारत में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना करें या विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना करें। बोथ आर सेम क्वेश्चंस। एज यू वेल नो दैट इंडिया इज एन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन आंसर अलग अलग होगा। जब क्रिटिकल की बात आ जाती है तो आपको आलोचनात्मक ढंग से अपने उत्तर को प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर एग्जामिन वर्ड आ जाता है तो मेरिट डिमेरिट का एक कंपेरेटिव एनालिसिस के साथ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए जैसे जैसा मैंने बताया एक्सप्लेन द एमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सीधा है, तो आप केवल प्रेजेंटेशन में ये देंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी पावर और क्यों भारतीय संविधान निर्माताओं को संविधान में आपातकाल या इमरजेंसी का प्रोविजन करना पड़ा, ऐसी कौन सी स्थितियां थी दैट टाइम आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वेयर हैविंग टू फेस दिस टाइप ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन। एज यू वेल नाउ दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वेयर हैविंग टू फेस द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ी जो समस्याएं चुनौती थी जिसका सामना हमारे संविधान निर्माता कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि इससे भविष्य में निपटने के लिए कौन से उपाय किए जाए, कौन से रिमेडीज संविधान में एज ए प्रोविजन डाला जाए। तो उन लोगों ने इमरजेंसी पावर का प्रोविजन किया। एक बड़ा रोचक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे संविधान में इमरजेंसी पावर को जर्मन वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर हिटलर डिक्टेटरशिप बन गया था, हिटलर तानाशाही बन गया था। इसके बावजूद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने हिटलर वाली इमरजेंसी पावर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया। तो अपने आप में तो ये कंसिडरेबल मैटर है, सीरियसली कैसा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसे कौन से सिचुएशन थे कि हिटलर वाली इमरजेंसी पावर को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जिसे लगे कि आपके पास उस क्वेश्चन के आंसर का डेप्थ है, आपका प्रेजेंटेशन बेहतर है, आप कंपेरेटिवली लिख रहे हैं, ठीक है, आप कंक्लूजन दे रहे हैं, सारे पॉइंट्स को डील कर रहे हैं। और पॉइंट्स डील करते समय कॉपी करेक्शन करने वालों को ऐसा रिलाइज नहीं हो कि आप बुकिस लैंग्वेज लिख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने दोनों बातें कही, एक बात जिन्होंने जेपीएससी पीटी क्वालिफाई कर लिया उनके लिए
क्रिटिकल सिचुएशन इसलिए है क्योंकि उनके पास समय कम है और इसी कम समय पर अपनी तैयारी को अंजाम इस ढंग से देना है कि उन्हें सफलता मिल जाए। और दूसरी क्रिटिकल सिचुएशन वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया ही नहीं, उनके पास दो ऑप्शन है मैंने बताया, एक बीपीएससी, सपोज उन्होंने बीपीएससी अप्लाई नहीं किया हो तब क्या होगा, तो वैसी स्थिति में झारखंड का जीएससी है उसकी तैयारी किया जाए। आप या तो पीटी क्वालिफाई किए हैं तो मेंस भी आपके लिए चैलेंज है, और आपने पीटी क्वालिफाई नहीं किया है तो बीपीएससी और जीएससी आपके लिए चैलेंज है। आपको बैठना नहीं है, अपने आप को कंटिन्यू रखना है विथ योर स्टडी विथ योर प्रिपरेशन, एंड एलवेज ईजीएस एकेडमी इज गेट रेडी टू स्टार्ट विथ योर सक्सेस विथ मी विथ आवर टीम। थैंक यू वेरी मच।